अखिलेश यादव को भारी पड़ा इरफान सोलंकी से मिलना। अगले ही दिन हुआ एक्शन, 400 किलोमीटर दूर भेजा। विधायक की ताकत का इस्तेमाल कर इरफान सोलंकी ने बांग्लादेशियों के बनवाए थे आधार कार्ड। अब हालत देख फफक पड़ी पत्नी, बोली बचा लो साहब। लखनऊ से चलकर अखिलेश ने कानपुर में अपने विधायक इरफान सोलंकी का हाल जाना। वो लखनऊ पहुंचे ही थे कि इधर एक्शन तेज हो गया, इरफान की जेल बदल दी गई। अब वो महाराजगंज पहुंच चुके हैं। सोचा किसी ने नहीं था कि अखिलेश के मिलते ही कुछ ऐसा हो जाएगा। यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में विधायक इरफान समेत 7 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। देशराम विधायक भी महाराजगंज जेल पहुंच गए। जेल गेट के बाहर इरफान आंखों से आंसू पोंछते नजर आए। इरफान की पत्नी का कहना है कि इतनी दूर भेज दिया है कि अब बच्चे उनसे मिल भी नहीं पाएंगे। मेरी सरकार से गुजारिश है कि उन्हें जहां भी रखें सुरक्षित रखें। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी विवादित प्लॉट में बनी झोपड़ी में आगजनी, फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने और बांग्लादेशी नागरिक को प्रमाण पत्र देने के मामले में जेल में बंद है। सपा नेत्री नूरी शौकत को इरफान को भगाने में मदद करने का आरोपी बनाया गया है। सपा नेत्री नूरी शौकत ने मानवीय आधार पर जमानत मांगी थी। नूरी की तरफ से कहा गया था कि मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसे माँ की जरूरत है, उसकी देखभाल नूरी ही करती है। लेकिन कोर्ट ने नूरी के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी। डीजीसी दिलीप अवस्थी, एडीजीसी रविंद्र अवस्थी ने बताया कि इरफान ने फर्जी आधार कार्ड बनवाकर दिल्ली से मुंबई तक हवाई यात्रा की। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट में उनकी तस्वीरें हैं। इरफान की मुंह बोली बहन नूरी ने बैंक खाते से टिकट बुक कराई थी। इरफान को दिल्ली तक छोड़ने में मदद की गई। सभी आरोपियों ने विधायक को भगाने में मदद की है। फर्जी और कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के गंभीर आरोप है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और इरफान सोलंकी के वकील नरेश चंद्र त्रिपाठी ने कोर्ट के सामने तर्क रखा कि पुलिस की विवेचना है कि नूरी शौकत समेत सभी पर इरफान को भगाने का आरोप बना है। नूरी ने भाई अशरफ के लिए टिकट बुक कराया था, उस टिकट का इस्तेमाल किसने किया, अशरफ का फर्जी आधार कार्ड किसने बनाया, इसके लिए नूरी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। भगाने में मदद करने का आरोपी मान लिया जाए तो इसमें अधिकतम 5 साल की सजा है। सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के तहत 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में जमानत दी जानी चाहिए। इरफान सोलंकी को कानपुर जेल से 400 किलोमीटर दूर महाराजगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। कल सुबह से ही इरफान की पत्नी और मां जेल के बाहर खड़ी थी। इरफान जैसे ही जेल के गेट से बाहर निकले तो पुलिस ने उन्हें धक्का मारकर गाड़ी के अंदर बैठा दिया। पुलिस की टीम इरफान को लेकर महाराजगंज के लिए जैसे ही निकली, उनकी माँ और पत्नी नसीम फफक कर रो पड़ी। इरफान की पत्नी नसीम ने कहा कि इतनी दूर भेज दिया है, पता नहीं बच्चे वहाँ मिलने जा पाएंगे या नहीं। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि उन्हें जहाँ भी रखे सुरक्षित रखे। वहीं इरफान जब महाराजगंज जेल पहुँचे तो गेट के बाहर बेहद ही भावुक नजर आ रहे थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी थी। फिलहाल देखना होगा कि उनकी मुश्किलें आखिर कब खत्म होती हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस यूपी के साथ।